तो ये फिल्म पूरी 95% फॉरेन में शूट की गई है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन से। आप ये फिल्म उस लोकेशंस के लिए ही देख सकते हैं। बाकी इस फिल्म की क्रिटिक्स ने कह के लिए तो मैं कुछ ज़्यादा लूँगा नहीं, क्योंकि फिल्म ऐसे देखने के लिए अच्छी है। ऋचा चड्ढा के जो फैंस हैं उनके लिए अच्छी है। कल्कि कोचलिन और ऋचा चड्ढा की इसमें केमिस्ट्री आपको दिखाई देगी। तो ये फॉरेन्स में जाते हैं और उधर एक अपनी जान देने की कोशिश करती है और एक जो है वो कैंसर से पीड़ित रहती है। तो दोनों कौन कौन है वो जानने के लिए आप सिनेमा गृह में जाइए। और इसमें एक मेल इंट्रोड्यूसिंग हुआ है, मतलब हीरो, तो वो बासु नाम का उसका कैरेक्टर है। तो फिल्म सिर्फ 1.37 मिनट्स की है, तो कुछ रिव्यू भी ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं इधर ही स्टॉप हो जाता हूँ। तो मेरे बाकी रिव्यू देखने के लिए मेरे चैनल पे क्लिक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा नहीं लगा तो अनलाइक कीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे अगले रिव्यू में।